दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों बॉलीवुड के बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आए दिन सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं, कभी अपने बोल्ड ड्रेसेस को लेकर तो कभी अपने ऐसे ऐसे सीन्स को लेकर। दोस्तों अनुष्का शर्मा का ये सीन्स बहुत हिट हुआ था। अनुष्का शर्मा जब इस सीन्स के लिए एक गांव में पहुंची थी, वहां बहुत बड़ा भीड़ जमा हो गया था। गांव के लोग अनुष्का शर्मा को देखकर जैसे पगला ही गया था। लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था और ऐसे ठरकी लोगों के सामने अनुष्का ने जब अपने कपड़े उतारे, तब तो इन लोगों के सामने शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और आज की इस वीडियो में हम सब इसी को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक जरूर देख लेना। और वीडियो को देखने के बाद आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और कौन कौन से साउथ और बॉलीवुड मूवीज का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए ला सके उन सारे फिल्मों का अपडेट्स। दोस्तों उस समय डायरेक्टर ने बहुत ही मुश्किल से वीर को कंट्रोल करके अनुष्का शर्मा को मेकअप करके पानी में भेजा गया था। इतनी खूबसूरत आइटम और ऊपर से पानी में गीली बिकिनी अवतार में अनुष्का शर्मा को देखकर गांव के बूढ़े लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि अभी तो मैं जवान हूँ। और अनुष्का शर्मा को इस सीन्स के लिए 5 घंटे लग गए थे। और इस सीन्स के बाद एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने गाने के भी कुछ सीन्स यहाँ पर किया था। दोस्तों ये सीन सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि मूवी पर भी ये सीन सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सीन्स है। और आज की इस वीडियो में हम सब अनुष्का शर्मा के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक जरूर देख लेना। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे जल्दी और सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन प्रेस करके। दोस्तों एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को अपना मूवी सुई धागा की साइकिलिंग सीन्स को रिक्रिएट करना था, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा होते होते बच गया है जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे थोड़ा और हो जाता तो मजा ही आ जाता। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि वरुण धवन के बाद जब अनुष्का शर्मा को साइकिल पर बैठने के लिए कहा गया था, तो खूबसूरत ड्रेस में नजर आने वाली एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की ड्रेस अचानक साइकिल में इस तरह फंस जाते हैं कि कुछ पल के लिए ना तो वो साइकिल पर बैठ पाई और ना ही ड्रेस को ठीक से हटा पा रही थी। और इसी मुश्किल को देखते हुए वहां मौजूद वरुण धवन ने झट से अनुष्का की ड्रेस अपने हाथों से ठीक कर दिया और एक्ट्रेस को अच्छे से साइकिल पर बैठकर पोज भी दिया था। दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर अनुष्का शर्मा की ड्रेस साइकिल पर फंस जाती तो अनुष्का साइकिल से गिर भी सकती थी। दोस्तों एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को एक बार एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, लेकिन वहां चलती तेज हवा ने उनकी ड्रेस को ही उड़ा दिया था। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अनुष्का शर्मा विराट कोहली से शादी करके बहुत खुश है, लेकिन विराट कोहली से पहले बहुत से स्टार अनुष्का शर्मा के साथ डेट किया था। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले अनुष्का शर्मा की पहली मोहब्बत जहीर यूसुफ था। जहीर यूसुफ और अनुष्का शर्मा दोनों मॉडलिंग करते थे, वहां से ही इन दोनों का प्यार शुरू हुआ था और दोनों मुंबई में अपने किस्मत आजमाने के लिए आ गया था। दोस्तों अनुष्का शर्मा को तो शाहरुख खान के साथ रब ने बना दी जोड़ी मूवी मिल गया था, और इसके बाद रणवीर सिंह के साथ बैंड बाजा बारात मूवी, और देखते ही देखते अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो गया था। लेकिन जहीर यूसुफ को काम ना मिलने के कारण वो वापस चला गया था। अनुष्का शर्मा के बॉलीवुड में कामयाबी की वजह से जहीर से ब्रेकअप हो गया था और दोनों की डेटिंग लगभग 2 साल तक चला था। इसके बाद अनुष्का शर्मा की जिंदगी में रणवीर सिंह ने कदम रखा और इनकी पहली मूवी बैंड बाजा बारात से ही इनका लव अफेयर के चर्चा होने लगे
और कुछ साल बाद इनके रिश्ते में भी दरार आया और करण जौहर के पार्टी में अनुष्का शर्मा को रणबीर कपूर मिल गया था और काफी देर तक इन दोनों का भी प्यार की चर्चे रहा, लेकिन समय के साथ साथ ये रिश्ता भी खत्म हो गया था। दोस्तों, इसके बाद अनुष्का शर्मा का FIR इंडियन क्रिकेट टीम की बैट्समैन सुरेश रैना के साथ जुड़ा था और ये खबर बॉलीवुड में काफी फेमस था। दोस्तों, अनुष्का शर्मा का FIR अर्जुन कपूर के साथ भी रहा था, एक बहुत बड़े मैगजीन ने अपने मैगजीन पर बताया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का प्यार कहां से शुरू हुआ था? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि क्लियर शैम्पू के एडवर्टाइजमेंट पर दोनों का मुलाकात हुआ था और वहीं से ही इन दोनों का डेटिंग शुरू हुआ था और इनकी मोहब्बत शादी में बदल गया और आज दोनों अपने जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी नए और पुराने हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ मूवीज को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करें, आपको वहां पर मिलेगी नए और पुराने हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज। तो दोस्तों, आप लोग अगर बंगाली समझते हो तो हमारे बंगाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहां पर मिलेगी बंगाली रैंडम वीडियोस। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए बंगाली रैंडम वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी एक दूसरी बड़ी अपडेट्स में। तब तक के लिए आप रखिए अपने और अपने परिवारों का ख्याल। तो चलता हूँ दोस्तों, आज के लिए अलविदा।